गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप सब। और ये एक्टिविटी में आप लोगों को बनवाया गया है फ्लैग, क्योंकि आप सभी को पता है 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस के रूप में जिसको हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और बेटा ये देखिए कितना प्यारा फ्लैग लग रहा है, और इसको बनाया है सोनिया मैम ने। अब आपका सवाल होगा कि सोनिया मैम ने बनाया तो मैम आप क्यों बोल रहे हैं, तो बेटा उनका गला ख़राब था तो इसलिए मुझको बोलना पड़ रहा है। ये देखिए मैम ने नीचे का बेस तैयार कर लिया है, नीचे एक गत्ता बोलते हैं, जो घर पे गत्ता या थर्माकोल शीट जो भी हो आपके पास उस टाइप से आप ले सकते हो। और ये लिया मैम ने वाइट पेपर, ऑरेंज और ग्रीन पेपर लिए थे, ये कलर पेपर जो आते हैं उनसे ये जो थी दो स्ट्रिप कट कर ली थी मैम ने। इस तरह आप भी थोड़ा सा आइडिए से ये कट कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। और अब आप फेविकोल की हेल्प से इसको मैम यहाँ पर पेस्ट कर देंगी ऊपर। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मैम कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं। ओके बेटा, जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आप ये सब कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। और आपको एक बहुत सुंदर सा फ्लैग बना के तैयार करना है, रेडी करना है, क्योंकि आपको सबको पता है कि स्कूल में सेलिब्रेट होता है हमारा 15 अगस्त, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको घर पर कुछ नहीं करना है, आपको घर पर भी करना है। और ये एक्टिविटी बनाकर आप हमें सेंड करेंगे स्कूल के नंबर पर ही, देखेंगे बेटा कितने बच्चे बनाएंगे, कितने बच्चों को अपने देश से प्यार है, अपने इंडिया से प्यार है। ये इन सब चीज़ों से पता चलता है कि उनके अंदर क्या भावना है, क्या वो उससे प्यार करते हैं या क्या उसके महत्व को समझते हैं। और ये भी आप देखते रहें कि मैम कैसे बना रही हैं। ओके, इस पर भी आपको ये देखो मैम जो ये स्टिक लगाई हुई है, ये वो बता रही हैं मैम कि उन्होंने ऐसे इसको रोल कर लिया और ऐसे इसको ऐसे किया और फिर ऐसे पेस्ट कर दिया और ऊपर एक मोती लगा दिया। और ये बहुत बारीक सी लड़ियाँ थी मोतियों की, जो मैं मार्केट से लेके आई थी, ये वो हैं, इस तरह से उनको लगा दिया गया। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है। अब ये नेक्स्ट स्टिप मैम पेस्ट करेंगी यहाँ पर फ्लैग के लिए। ये आप लोग समझ चुके हैं कि ऐसे स्टिप बना लें, कट कर लें, और उस कट करने के बाद ऐसे पेस्ट करके वाइट पेपर के ऊपर बहुत ईजी से आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। और ऐसे आपको ये स्टिक बनानी है और यहाँ पर थर्माकोल या जो आपके यहाँ गत्ता वत्ता पड़ा हो उसके ऊपर ये ऐसे पेस्ट कर सकते हैं आप। ओके बेटा, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा, सिर्फ आपको कलर पेपर लाने हैं 4, एक वाइट, ऑरेंज, 2 वाइट पेपर लाने हैं आपको। ऐसा है, कट ज़्यादा हो रहा है, ये कटिंग हो रही है, शायद 2 लग जाएँ, और ऑरेंज और एक ग्रीन। और बेटा वाइट मोती चाहिएगा आपको इसके लिए। और ये स्टिक बनानी है आपको, वाइट पेपर से ही बनानी है, सभी बच्चों को आती होगी बनानी, पहले भी एक्टिविटी में सिखाई गई है। तो ऐसे बनानी है और सबसे ऊपर इसके लगा देना है आपको गोल्डन मोती। और ये स्टिक बीच में एक छेद किया है, उस छेद पे ये स्टिक आप पेस्ट कर देंगे। जब तक मैम फ्लैग कटिंग करेंगी तब वो जो स्टिक है, स्टिक के बीच में इसको भी पेस्ट कर देंगे। देखिए अच्छे से आपको कट करना है और बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से बनाना है। ये है वो लड़ी जो मैम ने यहाँ पे लगाई, इस तरह की मार्केट से मिल जाती हैं, घर पे पड़ी हो कोई बारीक माला वो लगा सकते हैं, या आपके दिमाग में कोई और आइडिया आए उस तरह से आप कर सकते हैं। ये मोती हैं वाइट, आप गोल्डन भी लगा सकते हैं, या कुछ और आइडिया हो आपको इस तरह से लेस लगा सकते हैं इसके ऊपर। ओके बेटा, बहुत ध्यान से आपको करना है, बहुत अच्छे से ये इसको पेस्ट करना है, बनाना है, और ये ऐसे फ्लैग बनेगा। आप ध्यान से देखिए कैसे मैम पेस्ट करेंगी, कैसे बना रही हैं, बहुत ध्यान से आपको देखना है। और फिर बेटा बहुत अच्छा सा फ्लैग आपको बना के ऐसे तैयार करना है। सभी बच्चे प्रॉमिस कीजिए कि आप फ्लैग बनाएंगे 15 अगस्त पर। ओके बेटा, ये देखिए ऐसे मैम ने ऐसे बना लिया इसको, और फिर बीच में से फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर बना रही है मैम एक सर्कल। आप सभी को पता है फ्लैग के बीच में जो सर्कल बना होता है उसके बीच में भी 24 स्टिक हमारी होती हैं, वो मैम बना रही हैं।
इसको। और आप लोगों को भी ऐसे ही बहुत मतलब आराम से आपको करना है, बहुत धीरे से। और अगर ना बन पाए तो आप अपने जो आपके बड़े बहन भाई होते हैं, दीदी और भैया, आपके मम्मी पापा, उनकी भी हेल्प से आप बना सकते हैं। उनकी हेल्प ले लीजिए ताकि सुंदर बने। आप कहीं भी घर पे किसी भी कोने में रखें तो सुंदर लगे। और आपको हमेशा याद रहे कि हमने 15 अगस्त पर बनाया था बेटा। हाथ अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों का एक अलग ही महत्व होता है, वो बहुत अच्छी लगती हैं। और आप अच्छे से बनाओगे तो मैं सच कह रही हूँ, सच में बहुत अच्छे से बन जाएगा। और जहाँ भी आप टेबल पे रखें या मतलब किसी भी रूम के कोने में रखें, कॉर्नर में रखेंगे, या आपने मतलब कहीं पे भी फ्रिज वगैरह जैसे हम रख देते हैं, जहाँ पे भी हम डेकोरेट का सामान रखते हैं, तो वहाँ पे रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल यकीन मानिए, सब आपसे पूछेंगे किसने बनाया है, अगर आप अच्छे से बहुत तरीके से बना लेंगे। ये दोनों तरफ ऐसे सर्कल बना के फ्लैग लुक आ गया है। स्टिक बना, ये इसमें जो सर्कल में भी स्टिक बना दी गई, अब ऐसे बीच में फेविकोल लगाएंगे और ये स्टिक भी इसी के बीच में रख के ऐसे पेस्ट कर देंगे। ओके बेटा, देखो बहुत ध्यान से आपको देखना है और बहुत ही ध्यान से आपको करना है। ओके, समझ में आ रहा होगा आप सभी की। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं स्कूल टाइम में। ओके, लेकिन बेटा बनाना ज़रूर है आपको, आपको ये वाली एक्टिविटी ज़रूर बनानी है। अभी तक की इस जो हमारा साल है, ये जो ईयर्स है या ये जो सेशन है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं बनी है, इसलिए आप बेटा ये एक्टिविटी ज़रूर बनाना। ये देखिए कितना प्यारा फ्लैग बन के हमारा रेडी हो चुका है। और जो बीच में ये हमने एक होल किया हुआ है, तो इसमें ये स्टिक हम ऐसे लगा देंगे। ये देखिए ऐसे फेविकोल डाल के इस स्टिक को ऐसे लगा देंगे और ऐसे हमारा फ्लैग बन के तैयार हो गया है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद बेटा, बाय।